काले हिरण का शिकार कर फिल्म अभिनेता सलमान खान किस तरह फंसे आपको याद होगा। अब मध्य प्रदेश के सागर जिले में काले हिरण के शिकार का एक मामला सामने आया और इस बार आरोपों के घेरे में एक क्रिकेटर है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुलिस की हिरासत में दिख रहे इन चारों आरोपियों का गुनाह जान लीजिए। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित काले हिरण के शिकार के मामले में पकड़ा गया है। रविवार शाम चारों आरोपी सानोधा गांव के पास जंगल से शिकार कर लौट रहे थे तो इनकी मोटरसाइकिल पर टंगे बैग में खून के धब्बे देखकर पुलिस ने इन्हें रोका। तलाशी में पता चला बैग में काले हिरण का मांस है। सानोधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है ग्राम टीला खेड़ी की। यहाँ ये लोग गए थे शिकार करने के लिए। शिकार करके जब ये लोग लौट रहे होंगे तो पुलिस ने इनको पकड़ा वहाँ पे सानोधा थाने के स्टाफ ने, और इनकी मतलब चेकिंग की उनने, तलाशी ली। उस तलाशी के दौरान एक राइफल, एक कुल्हाड़ी छोटी, एक चाकू और मांस पाया। गुनाह का ये मामला रसूख से भी जुड़ा है क्योंकि आरोपियों में दो चेहरे मध्य प्रदेश क्रिकेट के बड़े नाम हैं। आरोपी रमीज खान मध्य प्रदेश की रणजी टीम का हिस्सा है और इसी केस में पकड़े गए उसके पिता महमूद खान मध्य प्रदेश अंडर 23 क्रिकेट टीम के मौजूदा चयनकर्ता। चारों आरोपियों पर वन अधिनियम की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। काले हिरण का शिकार वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। इस मामले में 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है।